नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल कृष्ण सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ साइंसेस, उत्तर प्रदेश, राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, प्रयागराज। आज हम आपको कोनिक सेक्शन में आगे प्रश्न बताएंगे। पिछले टॉपिक पे कोनिक सेक्शन शुरू किया था, अब उसके आगे क्वेश्चन लेते हैं, फिर शुरुआत करते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, ट्रेस द कोनिक 36x² + 24xy + 29y² - 72x + 126y + 81=0। सोल्यूशन क्या दिया हुआ है? सोल्यूशन द गिवन कोनिक इज, जो इक्वेशन दिया है इसको हमने मान लिया फंक्शन तौर पे, तो फंक्शन में हो जाएगा fxy = 36x² + 24xy + 29y² - 72x + 126y + 81=0। ये फंक्शन के फॉर्म हो गया। अब देखते हैं, जब इसे कंपेयर करेंगे किससे, ए बी सी प्लस जो स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, इक्वेशन कौन सा है, ax² + by² + cx² + d² से जब इसे कंपेयर करेंगे, जो मैं कई बार बता चुका हूँ, तो उसमें a की वैल्यू जो होगी, a = 36, h = 12, b = 29। सिंस h² = ab, दैट इज द सेकेंड डिग्री टर्म ऑफ द इक्वेशन इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, देयरफोर द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट अ सेंट्रल कोनिक। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो h² = ab, दैट इज द सेकेंड डिग्री टर्म ऑफ द इक्वेशन नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देयरफोर द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट अ सेंट्रल कोनिक, देयरफोर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर आर गिवन बाय द इक्वेशन। कैसे निकालेंगे इसको, देखिए, आर गिवन बाय द इक्वेशन, जो इक्वेशन है एफ एक्स वाई, जो फंक्शन आप लिए थे उसको आपने एफ सपोज किया था, उस एफ को आप पहले एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट किया, इट मींस डेल एफ पार डेल एक्स। इसका मीनिंग यह होता है कि इस फंक्शन को, एफ के फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है एंड कीपिंग अदर टर्म इज अ कांस्टेंट, देयरफॉर वी गेट डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन, देयरफॉर 72x + 24y - 72t = 0। आफ्टर एलिमिनेशन देयरफॉर वी गेट 3x + y - 3 = 0। उसी फंक्शन एफ को हमने फिर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया पार्शियली, इट मींस फंक्शन एफ डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, वी गेट 24x + 58y + 126 = 0। क्या मतलब, जो फंक्शन हमारा एफ लिया सपोज किया था एफ एक्स वाई को, पहले हमने उसको पार्शियल डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, तो हमें मिल गया 3x + y - 3 = 0। फिर उसी फंक्शन को हमने y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट किया, पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कीपिंग अदर फंक्शन एज ए कांस्टेंट के तौर पर, और भी जो फंक्शन है हम उसे कांस्टेंट के तौर पर ट्रीट करेंगे। तो क्या मिलेगा, जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया मैंने पार्शियली, तो 12x + 29y + 63 = 0 ये मिल गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, जब सॉल्व करेंगे तो मुझे मिल जाएगा x = 2y - 3। ये सिंपल एलिमेंट्री है, क्लास 12 स्टैंडर्ड के बच्चे भी कर लेंगे इसे। ये आपका इक्वेशन है 3x + y - 3 = 0, 12x + 29y + 63 = 0। कांस्टेंट टर्म को हम उधर लेके चले गए, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये एक्स कैंसिल कर दिया, फिर एक बार एक्स मिल गई, फिर एक्स वैल्यू रख दिया किसी भी इक्वेशन में, मुझे वाई मिल गया, तो मुझे क्या मिल गया, x = 2 और y = -3 हमें मिल गया। फिर उसके बाद नाउ c = मैंने सपोज किया gx1 + fy1 + c, जो वैल्यू मिली गई है, g मिला है -36x, x1 means 2 एंड f = 63 एंड y1 = -3 + 81, therefore we get c = 180। therefore the equation of the conic referred to the center as the origin,
क्या मतलब, वो सेंटर ओरिजिन से पास करेगा, रिफर टू द सेंटर एज द ओरिजिन, देयरफॉर दैट इज 36 स्क्वायर प्लस 24 एक्स वाई प्लस 29 वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 180 इज इक्वल टू 0। द स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन इज, आपने उसे सेंटर फॉर्म कर लिया उसको, 1/5x² प्लस 2/15xy प्लस 29/180 माइनस इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द सेमी एक्सिस आर गिवेन बाय ए, एक ब्रैकेट में ए माइनस 1/r² दूसरे ब्रैकेट में बी 1 - 1/r² ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू एच स्क्वायर। Therefore we get capital A is equal to 1/5 r square आपका as it is है minus 1/r² bracket close second bracket in place of b is equal to 29/180 minus 1/r² as it is, therefore h square is equal to 1/15 whole square, therefore after elimination we get it will become the 1/r^4 1/4 माइनस ब्रैकेट के अंदर 13/36 ब्रैकेट क्लोज 1/r² प्लस 1/36 इज इक्वल टू 0। आफ्टर एलिमिनेशन दिस लाइन वी गेट 1/r^4 माइनस 13/36 इंटू 1/r² प्लस 1/36 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर आफ्टर टेकिंग एलिमिनेशन वी गेट r^4 माइनस 13r² प्लस 36 is equal to 0, making bracket you are getting the two values of 4, therefore r^4 it means यहाँ पे r^4 है, इसका मतलब मुझे r के चार रूट मिलेंगे, फिर perfect square मैंने बनाया, r^1² minus 9 एक bracket में, दूसरे में r^2² minus 4 दूसरे bracket में, means therefore मुझे क्या मिला, जैसा कि आप जानते हैं a dot आपको जब elimination करेंगे r के चार value मिलेंगे, हमने एक ले लिया फिर ये ले लिया, देयरफॉर r^1² माइनस 9 एक ब्रैकेट में दूसरे माइनस r^2 - 4 का ब्रैकेट अगले ब्रैकेट में, देयरफॉर वी आर गेटिंग r^1² इज इक्वल टू 9 एंड r^2² इज इक्वल टू 4। ये कैसे मिला, जैसा कि हम जानते हैं a डॉट b इज इक्वल टू 0, ये कैसे मिला r^1² 9 r^2² 4, ये कैसे मिला, एक अल्जेब्रा का रूल्स है, a dot if a dot b is equal to 0 it means a equal to 0 or b is equal to 0 or both are 0 or any one of them 0, therefore on this principle we are getting r^2 is equal to 9, it means r^1² minus 9 is equal to 0 and r^2 - 4 is equal to 0, therefore r^1² is equal to 9 and r^2² is equal to 4, therefore the conic is an ellipse both r^1² and r^2² are positive, dono positive hai, r^1² 4 r^2² 9 4 mila hai, dono positive hai, therefore both are the ellipse, the length of the major axis minor axis are 2r1 2r2, major axis 2r1, minor axis 2r2, therefore 6 and 4 major axis 4, minor axis 2, major already है तो जाने के बाद बड़ा होगा तो 4 है, minor axis 2 छोटा तो 4 है, therefore the equation of the major axis referred to the center as a origin given as, कैसे दिया जाएगा, a bracket के अंदर a minus 1/r^2² bracket close into x plus hy is equal to 0, ये equation आपका है, therefore we are getting एक value पहले प्राप्त कर चुके हैं, a is equal to 1/5 minus 1/9 in place of आप r^1² जो आप r^2 मिला जो आपका है इंटू एक्स प्लस 1/15 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। आफ्टर एलिमिनेशन हमने इसको यहां पर कर दिया, जब मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे क्या मिलेगा 1/5x माइनस 1/9x इंटू प्लस 1/15 इंटू वाई, टेकिंग एलिमिनेशन टेकिंग एलसीएम, देयरफॉर वी आर गेटिंग दिस साइड अपोजिट साइड वी आर गेटिंग 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द मेजर एक्सिस, therefore the equation major axis referred to the old quadrant axis is, जब refer fourth बन जाएगी तो 4 into x minus 2 plus 3 into y plus 3 is equal to 0, ये मेरा मिला हुआ था हमारा जो x वाला था आपका x minus 2 था पहला वाला in place of old axis में और y माने y plus 3 था
माइनस टू एक्स जब मैंने एक्स माइनस टू रखा, वाई जब आपने थ्री रखा, फिर उसके इक्वल टू जीरो किया, देयरफॉर आफ्टर एलिमिनेशन वी गेट 4x plus 3y plus 1 is equal to 0. ये हमें मिला. Therefore, the minor axis is a straight line perpendicular to the major axis and passing through the center 2 minus 3. So refer to the old coordinate axis of the equation of the major minor axis is 3x minus 2 minus 4 y plus 3 is equal to 0. क्या मतलब हुआ? The minor axis is a straight line perpendicular to the major axis and passing through the center. Center कहाँ पे है? 2 minus 3 वेव है उसका center. Therefore, so refer to the old coordinate axis of the equation of the minor axis is 3x minus 2 minus 4 y plus 3 is equal to 0. After the elimination, इसको eliminate करेंगे, क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा, 3x minus 6 minus 4y plus minus 12. After elimination, 3x minus 4y minus 18 is equal to 0. जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको ये मिलेगा 3x minus 4y minus 18 is equal to 0. Therefore, the point of intersection of the conic with the quadrant axis given as the given conic cut x-axis in the point when y is equal to 0. कोई point x पर कब कट करेगा? जब y की वैल्यू 0 हो जाएगी. जहां पे y वैल्यू 0 मिल जाएगा तब वो उसको x को कट करेगा. Therefore, जो आपका इक्वेशन है 36 स्क्वायर माइनस 22x प्लस 31 इज इक्वल टू 0. आप पहले वो इक्वेशन दिया गया था 36 स्क्वायर माइनस 22x प्लस 81 इज इक्वल टू 0. आफ्टर एलिमिनेशन वी आर गेटिंग 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर दिस गिव्स द इमेजिनरी वैल्यू ऑफ x बिकॉज़ इट्स डिस्क्रिमिनेंट. b स्क्वायर माइनस 4 इज 64. 4 माइनस 4 इनटू 4 9 नेगेटिव. हियर शुड बी b स्क्वायर माइनस 4 इज c. b स्क्वायर मींस 64. माइनस 4 इंटू 4 9 इज नेगेटिव, हमें 9 मिला. हेंस द गिवेन कोनिक डज नॉट कट द एक्स एक्सिस. द गिवेन कोनिक डज नॉट कट द एक्स एक्सिस. आगे बढ़ते हैं. द गिवेन कोनिक कट द वाई एक्सिस इन द पॉइंट वेयर एक्स इज इक्वल टू 0. जो हमारा कोनिक दिया है, जब वाई एक्सिस पे कट करना होगा, कंडीशन क्या होगी? x is equal to 0 means x के लिए y 0 होगा, y के लिए x 0 होगा. Therefore, the given conic cut the y-axis in the point where x is equal to 0. जिस क्या मतलब, जहां पे x value से 0 कर दीजिए equation में, तो हमें क्या मिला? 29y square plus 120, 126y plus 81 is equal to 0. जब इसको हमने सॉल्व किया इस इक्वेशन को y के फॉर्म में, तो मुझे y इज इक्वल टू मिला माइनस 0.8 एंड y इज इक्वल टू माइनस 3.6. हियर इज द शेप ऑफ द गिवन कोनिक. हियर इज द शेप ऑफ द गिवन कोनिक विच इज एन इलिप्स. जो शेप होगा वो इलिप्स के फॉर्म में होगा. तो मुझे एज शोन इन द फिगर, आगे फिगर दिखाएंगे. सो ड्रा द मेजर एक्सिस विच पासिस थ्रू द सेंटर 2 माइनस 3 एंड इट कट द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट माइनस 4 एंड 0. जो उसका जो कॉनिक बनेगा वो उसके एक्सिस बनेंगे. ये देखिए 2 माइनस 2 3 पे है, उससे कट नहीं करेगा. ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये मेजर एक्सिस, ये माइनर, ये मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस. जिस पॉइंट पे कट करेगा 0, उस कट करेगा 2 माइनस 3 पे. ये पूरा उसका ये फिगर है जो आपने इक्वेशन दिया गया था कोनी को ट्रेस करने के लिए. जो आपने कोनी को ट्रेस करने के लिए दिया गया था वो आपका ये इक्वेशन है. इट मींस इसका जो फॉर्म होगा कोनिक सेक्शन का, इस तरह से कर्व ट्रेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ दी. अब आगे आते हैं. इक्वेशन ऑफ दी टेंजेंट एट द पॉइंट हुज वेक्टोरियल एंगल इज अल्फा. हुज वेक्टोरियल एंगल अल्फा, थोड़ा सा रख गया ये. हुज वेक्टोरियल एंगल इज अल्फा, यानी कि आप क्या करना, अगला पॉइंट है ये. सपोज दैट द इक्वेशन ऑफ द कोनिक इज, जैसा कि हम जानते हैं, एल अपन आर इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा. सपोज इस इक्वेशन नंबर 1, इफ द पॉइंट ऑन द कोनिक 1 हुज वेक्टोरियल एंगल्स आर गिवन बाय अल्फा माइनस बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा, सिंस द जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज एल अपन आर इज इक्वल टू ए cos थीटा माइनस अल्फा प्लस बी cos थीटा. सपोज इस इक्वेशन नंबर 2, हमें क्या अगला आर्टिकल में अगला यही है कि इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट हुज वेक्टोरियल एंगल इज अल्फा.
हमारा इक्वेशन दिया गया था एल अपन आर इज इक्वल टू वन प्लस ई कॉस थीटा, सपोज इस इक्वेशन नंबर वन, हमने सपोज कर लिया कि जो वेक्टर एंगल होगा अल्फा माइनस बीटा होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा, फिर हमने उसको रिप्लेस कर दिया, एल अपन आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा माइनस अल्फा बी कॉस थीटा, हमने फिर चेंज कर दिया। आगे बढ़ते हैं, इट कैन बी इजिली सीन बाई कन्वर्टिंग इक्वेशन टू इन कार्टिशियन कोऑर्डिनेट, मीन कार्टिशियन कोऑर्डिनेट, सपोज इक्वेशन टू विद द इक्वेशन ऑफ दिस चार्ज, देन इट मस्ट पास थ्रू द पॉइंट्स ऑन वन हुज वेक्टोरियल एंगल्स आर अल्फा माइनस बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा, देयरफॉर पुटिंग थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा एंड थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इन इक्वेशन वन एंड टू, देयरफॉर द इक्वेटिंग द वैल्यूज ऑफ आर दस वी गेट, तो दस वी गेट वन प्लस ई कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू ए कॉस बीटा प्लस बी कॉस अल्फा माइनस बीटा एंड वन प्लस ई कॉस अल्फा, ये चेंज किया, देखिए यहाँ पर गौर कीजिएगा अल्फा प्लस माइनस बीटा प्लस बीटा है, ये अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, पहला क्या मिला वन प्लस ई कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू ए कॉस बीटा प्लस बी कॉस अल्फा माइनस बीटा एंड सेकेंड मिलेगा अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा पे आ जाइए वन प्लस ई कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ए कॉस बीटा प्लस बी कॉस अल्फा प्लस बीटा, फ्रॉम दिस वी हैव ए इज इक्वल टू सेक बीटा एंड बी इज इक्वल टू ई, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन टू, इक्वेशन टू में रिप्लेस करेंगे, द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द चार्ज इज एल अपॉन आर इज इक्वल टू सेक बीटा, क्वेश्चन नंबर टू रखे हैं तो सेक बीटा इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा प्लस ई कॉस बीटा, क्वेश्चन टू हम पीछे ले चुके थे वो हमने उसे रिप्लेस किया तो हमें यही मिला। आगे बढ़ते हैं, इफ द एंगल अल्फा माइनस बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा कॉन्साइड, सपोज कॉन्साइड करते हैं बीटा बिकम्स जीरो, जब कॉन्साइड करें अल्फा बिकम्स जीरो एंड द लिमिटिंग पोजिशन ऑफ द चार्ज बिकम्स टेंजेंट टू द कॉनिक एट द पॉइंट हुज वेक्टोरियल एंगल इज अल्फा, द गिवन द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कॉनिक एट द पॉइंट हुज वेक्टोरियल एंगल इज अल्फा, देयरफॉर एल अपॉन आर इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस अल्फा प्लस ई कॉस थीटा ई कॉस थीटा, देयरफॉर आगे आते हैं, नाउ क्वेश्चन वन, इफ द एल अपॉन आर इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस अल्फा ई कॉस थीटा, देयरफॉर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ गए, मिल गया हमें एंगल मिल गया वहां पे, इफ द इक्वेशन कॉनिक इज एल अपॉन आर इज इक्वल टू वन प्लस ई कॉस थीटा माइनस थीटा वन देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अल्फा इज देन द टेंजेंट एट अल्फा इज एल अपॉन आर इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस अल्फा प्लस ई कॉस थीटा माइनस थीटा वन, यहाँ पे रखा है अल्फा रखा है तो कॉस थीटा माइनस अल्फा प्लस ई कॉस थीटा माइनस थीटा वन, आप सेकेंड देख लीजिए सेकेंड रिमार्क क्या है, द सेकेंड रिमार्क क्या मिला है, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फॉर द कॉनिक एल अपॉन आर इज इक्वल टू वन प्लस ई कॉस थीटा माइनस गामा एट द पॉइंट अल्फा इज एल अपॉन आर इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस अल्फा प्लस ई कॉस थीटा माइनस गामा, अब इक्वेशन मिल गया, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट वन इज ई प्लस कॉस अल्फा होल डिवाइड बाई साइन अल्फा। नेक्स्ट आते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, वो टेंजेंट था अभी नॉर्मल ले लीजिए, द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट हुज वेक्टोरियल एंगल इज ए इज अल्फा, ठीक है, सपोज द कॉनिक इज एल अपॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, सपोज इस इक्वेशन नंबर 1, सपोज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट आर अल्फा ऑन द कॉनिक इज एल अपॉन आर हियर शुड बी अल्फा इज अल्फा एल अपॉन आर कॉस थीटा माइनस अल्फा प्लस ई कॉस थीटा, सपोज इस इक्वेशन नंबर 2 द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कॉनिक 1 which is perpendicular to the tangent of this conic of the form a upon r is equal to cos theta plus pi by 2 minus alpha plus e cos theta plus pi by 2 alpha,
देयरफॉर ए अपॉन आर चेंज हो जाएगा, कॉस वाला पार माइनस में हो जाएगा, ए अपॉन आर इज माइनस साइन थीटा माइनस अल्फा माइनस ई साइन थीटा। सपोज दिस इक्वेशन नंबर थ्री। नाउ इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट आर अल्फा ऑफ द कॉनिक वन विच परपेंडिकुलर टू द इक्वेशन थ्री, दैट इज गिवन इक्वेशन थ्री पासेस थ्रू द पॉइंट आर अल्फा, देयरफॉर वी गेट ए अपॉन आर एस। सपोज नेक्स्ट है ये ए अपॉन आर एस इज इक्वल टू माइनस ई साइन अल्फा। सपोज दिस इक्वेशन नंबर फोर। देयरफॉर नाउ फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द कॉनिक एल अपॉन आर एस इज इक्वल टू वन प्लस ई कॉस अल्फा, हेंस फ्रॉम द इक्वेशन थ्री वी गेट ए इज इक्वल टू माइनस ई एल अल्फा डिवाइड बाई वन प्लस ई कॉस अल्फा। सब्स्टिट्यूटिंग इट इन द इक्वेशन टू द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट हूज वेक्टोरियल एंगल इज अल्फा, हमने जो एंगल लिया था अल्फा पे था वो सारे वो मिस्टेक था, वो मिसप्रिंट था, ए अल्फा होगा वहां पे, अल्फा इज क्या मिलेगा हमको ई एल अल्फा डिवाइड बाई वन प्लस ई कॉस अल्फा इन टू आर इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस अल्फा प्लस ई साइन थीटा। नेक्स्ट पॉइंट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर द कॉनिक इज एल अपॉन आर इज इक्वल टू वन प्लस ई कॉस थीटा माइनस गामा एट द पॉइंट अल्फा इज ई एल साइन अल्फा डिवाइड बाई वन प्लस ई कॉस अल्फा इन टू आर इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस अल्फा प्लस ई साइन थीटा माइनस गामा। अब आते एग्जाम्पल में आते हैं। चार्ट्स ऑफ द कॉनिक सबटेंड द कांस्टेंट एंगल टू अल्फा एट द फोकस, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट वेयर द चार्ट आर मेड बाय द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल विच दे सबटेंड एट द फोकस। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को क्या पूछा जा रहा है, चार्ट ऑफ द कॉनिक सबटेंड एट द कांस्टेंट एंगल अल्फा टू लिखा गया है, फाइंड लोकस ऑफ द पॉइंट चार्ट एट मेट बाई द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल विच दे आर सबटेंड एट द फोकस। सोल्यूशन देख लीजिए, सोल्यूशन क्या है, लेट द इक्वेशन ऑफ कॉनिक बी, जैसा कि आप जानते हैं एल अपॉन आर इज इक्वल टू वन प्लस ई कॉस थीटा एंड द वेक्टोरियल एंगल ऑफ द एक्सट्रीमिटीज बीटा माइनस अल्फा बीटा प्लस अल्फा चेंज है वो बीटा माइनस अल्फा एक प्लस ए माइनस है ए प्लस है एक दो एंगल ले लिए गए दिस चार्ट देन सबस्टेंड एट एंगल टू अल्फा अल्फा पर ले लिया गया फोकस एट इट्स इक्वेशन इज एल अपॉन आर पहला बता चुके हैं एल अपॉन आर इज इक्वल टू सेक अल्फा इन टू कॉस थीटा माइनस बीटा प्लस ई कॉस थीटा इज इक्वल टू सपोज दिस इक्वेशन नंबर वन इफ एफ आर थीटा डी आर डैश थीटा डैश विद द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट वेयर द चार्ट इज मेड बाय द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल विच इज ऑब्टेंड एट द फोकस देन थीटा डैश इज इक्वल टू बीटा। सपोज दिस इक्वेशन नंबर टू, हमने इसे टू मान लिया है, इस किसको थीटा डैश बीटा, पहला इक्वेशन मेरा ये था एल अपॉन आर इज इक्वल टू सेक अल्फा इंटू कॉस थीटा माइनस बीटा प्लस ई कॉस थीटा। नेक्स्ट सिंस आर डैश थीटा डैश लाइन इक्वेशन वन लाइक इस पे करेगा वन पे करेगा देयरफॉर एल अपॉन आर डैश इज इक्वल टू सेक अल्फा कॉस थीटा डैश माइनस बीटा प्लस ई कॉस थीटा डैश। सपोज दिस इक्वेशन नंबर थ्री, फ्रॉम इक्वेशन टू एंड थ्री वी ऑब्टेन टू थ्री की हेल्प से हमें क्या मिलेगा एल अपॉन आर डैश इक्वल है तो ये साइड इक्वल हो जाएगा एल अपॉन आर डैश इज इक्वल टू सेक अल्फा प्लस ई कॉस थीटा डैश और एल कॉस अल्फा अपॉन आर डैश इज इक्वल टू वन प्लस ई कॉस थीटा कॉस अल्फा कॉस थीटा डैश हेंस द लोकस ऑफ द आर डैश थीटा डैश इज द कॉनिक। क्या मिलेगा एल कॉस अल्फा अपॉन आर इज इक्वल टू वन प्लस ई कॉस अल्फा कॉस थीटा, मिल गया हमें लोकस। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। इफ द नॉर्मल एट द पॉइंट हूज वेक्टोरियल एंगल आर अल्फा बीटा गामा ऑन द पैराबोला, इफ द नॉर्मल एट द पॉइंट हूज वेक्टोरियल एंगल आर अल्फा बीटा गामा ऑन द पैराबोला एल अपॉन आर इज इक्वल टू वन प्लस ई कॉस थीटा मीट द पॉइंट मीट एट द पॉइंट सिग्मा एंड फाई सो दैट टू फाई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। पैराबोला पर शो क्या करना है टू फाई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमें शो करना है। तो क्या मिला द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑन द पैराबोला हूज वेक्टोरियल एंगल इज एल अपॉन आर इन ब्रैकेट साइन थीटा वन डिवाइड बाई वन प्लस कॉस थीटा वन ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस थीटा वन प्लस साइन थीटा इफ दिस पासेस थ्रू द पॉइंट
सिमान फाइव देन सॉरी रो एंड फाइव वन तो ये अपान रो साइन थीटा वन डिवाइड बाय वन प्लस कॉस थीटा वन इज इक्वल टू साइन फाइव माइनस साइन थीटा वन प्लस साइन फाइव, उसी पर चेंज कर दिया। आफ्टर एलिमिनेशन मुझे क्या मिला, टू एल अपान टू रो साइन थीटा वन अपान टू इंटू कॉस थीटा वन अपान टू होल डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा वन बाई टू। इसको मैंने चेंज कर दिया है साइन थीटा, इसमें यह देखिए क्या मिला है, इस फार्मूला कौन सा लाया है साइन टू ए, क्या मिलेगा साइन टू ए जो टू साइन टू ए साइन ए यहाँ पर टू ए साइन यहाँ मिल गया इसका साइन टू ए मिला। साइन टू दस ब्रेक किया वन प्लस वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई टू ये मिल जाएगा। उसको मैंने चेंज कर दिया, चेंज ट्रिग्नोमेट्री को चेंज करने के बाद सेम वही मिला। फिर आगे बढ़ते हैं, ये लाइन यहाँ पर एज इट इज है, ये फोकस यहाँ एज इट इज है, साइन फाइव वन प्लस कॉस था साइन साइन थीटा वन कॉस फाइव, देयर फोर साइन फाइव कॉमन निकाल लिया वहाँ से, यहाँ भी है सॉरी साइन फाइव निकाल दिया इसमें से, इसको हमने चेंज कर दिया किसको टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू इज टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू इज टू वन अपॉन टू, इसकी वैल्यू साइन फाइव एज इट इज है वन प्लस कॉस थीटा वन इज इक्वल टू टू का स्क्वायर थीटा वन अपॉन टू माइनस माइनस साइन इसको ब्रेक कर दिया साइन टू थीटा से मैंने ब्रेक किया है तो क्या मिला टू साइन थीटा वन अपॉन टू कॉस थीटा वन अपॉन टू कॉस फाइव किस मिल गया आपको, यानी हमने इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले यूज किए। देयरफोर एल अपॉन रो टेन पावर थ्री थीटा वन बाई टू प्लस एल अपॉन रो प्लस टू कॉस फाइव ब्रैकेट क्लोज टेन थीटा वन अपॉन टू माइनस टू साइन फाइव इज इक्वल टू जीरो। दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन tan theta over upon 2 if tan alpha by 2 tan beta by 2 tan gamma by 2 with the three roots of the equation, ये क्या है वो three roots है कौन कौन से tan alpha 1 by 2 alpha by 2 tan beta by 2 tan gamma by 2 with three roots of the equation, then tan alpha 1 by 2 plus beta by 2 plus gamma by 2 is equal to bracket minus 2 rho sine phi इंटू एल अपॉन वन एल अपॉन आर इंटू माइनस एल अपॉन टू रो कॉस फाइव इंटू एल इज इक्वल टू टेन फाइव, हेंस टेन अल्फा बाई टू प्लस बीटा बाई टू प्लस गामा बाई टू इज इक्वल टू टेन फाइव, दोनों कैंसिल पड़ गए, ये क्या मिल गया हमको टू फाइव इज इक्वल टू, ये इसका एलसीएम मैंने ले लिया तो अल्फा प्लस बीटा गामा होगा टू से चला गया टेन से टेन कैंसिल हो गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टू फाइव, हमें प्रूफ मिल गया। अब आगे आते हैं एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोट सपोज दैट द इक्वेशन ऑफ द कॉनिक इज एल अपॉन आर इज इक्वल टू वन प्लस सी कॉस थीटा, द इक्वेशन ऑफ द एसिम्प्टोट ऑफ द हाइपरबोला एल अपॉन आर इज इक्वल टू ई कॉस थीटा, देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन ई, एसिम्प्टोट चर्चा हो रही है ठीक है। सिंस द पॉइंट एट इन्फिनिटी ऑन द कॉनिक इज एल अपॉन आर इज इक्वल टू ई कॉस थीटा आर गिवन बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन ई माइनस वन अपॉन ई ठीक। फर्दर वी नो दैट दो नोट दैट द एसिम्प्टोट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला हाइपरबोला, नाउ द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम द फोकस इज ए एंड ए, ए क्या है फोकस है वेयर ए इज द सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम एस अपॉन आइदर एसिम्प्टोट इज ए अल्फा इज इक्वल टू ए अंडर रूट अंडर रूट ई स्क्वायर माइनस वन, टू टाइम सी मीन्स ए स्क्वायर माइनस वन ई स्क्वायर माइनस वन, वेयर कॉस अल्फा इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन ई, द एंगल विच इज द परपेंडिकुलर मेक्स विद द इनिशियल लाइन इज माइनस पाई बाई टू माइनस अल्फा आर पाई टू प्लस अल्फा, ये माइनस था या इसको आप अंदर ले गए ये माइनस हो जाएगा या प्लस हो जाएगा चेंज कर देंगे ये माइनस पाई टू अल्फा प्लस इसको बाहर पीछे बाहर कर दिए, देयरफॉर डिपेंडिंग अपॉन विच एसिम्प्टोट इज टेकन देयरफॉर क्या मिला ए अंडर रूट ई स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस अल्फा प्लस बाई टू एंड ए अंडर रूट ई स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस अल्फा माइनस बाई टू, दिस कैन बी टेकन एज एल अपॉन आर इज इक्वल टू अंडर रूट ई स्क्वायर माइनस वन इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा एंड एल अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस ऑलरेडी पहले था माइनस ई स्क्वायर माइनस वन साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस अल्फा, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द एसिम्प्टोट ऑफ द कॉनिक
The straight lines L upon R is equal to minus L upon R is equal to under root e square minus 1 upon E into under root e square minus 1 cos theta plus minus sin theta. ये आपका ये एसएमपोर्ट की बातें हो गई. आज हमने आपको एसएमपोर्ट तक बातें बताई हैं. आज हमने आपको कर्व ट्रेसिंग में क्वेश्चन लिया था, उसमें मैंने बताया, एसएमपोर्ट बताया. बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को. थैंक यू सो मच.